आइए तो दोस्तों, आज हमारे साथ में एक मसाला मशीन है और जिसकी जानकारी के लिए फिर से ऑटोमाइज से जितेंद्र भाई हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू मेवाड़ी जी, कैसे जी, जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। जी जी जी, तो आज हमारे मसाला मशीन की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे दे दीजिए। साथ में ही मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो सामने वाले को चाहिए वो ही परोसना चाहिए, यानी कि लोगों की डिमांड रहती है कि इसमें पिसाई कैसे होगी, क्या है, वो जानकारी लेंगे। तो चलिए, तो कुछ डिटेल्स आप बेसिक डिटेल्स दे दीजिए सबसे पहले। ये तो मसाला मशीन है और 7.5 HP का है, उसके अंदर भी साइक्लोन है तो साइक्लोन के अंदर ठंडा होगा, और मसाला मशीन के साथ भी है ग्रेडर मशीन तो ग्रेडर भी है, मसाला मशीन के साथ पैकिंग तो पैकिंग मशीन भी है साथ में, सब कुछ है। अच्छा, तो अब सबसे पहले ही मैं सीधा डेमो की तरफ ही ले जाता हूँ आपको। तो इसमें कौन कौन से मसाले की पिसाई कर सकते हैं अपन? मसाला के अंदर, मसाला मशीन के अंदर मसाला सब कुछ, हल्दी हो, मिर्ची हो, धनिया, जार, कुछ भी मसाला होगा तो आराम से पीस देगा। और भी मसाले के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जो देखता है तो प्याज भी पीसता है। क्या बात कर रहे हैं? लसन सूखा है तो लसन का जो छिलका वो भी पीसते हैं, सूखा टमाटा होगा तो टमाटा का भी पीसते हैं। तो आपको आयुर्वेदिक होगा कि फार्म के लिए होगा तो मसाला मशीन के अंदर बहुत सारी वेरायटी होगी, यानी कि मसाला और जड़ी बूटियां सब दोनों कर सकते हैं। मसाला के नाम के जड़ी बूटी होगी, मर्ची जैसी कोई भी लंबी छोटी चीज होगी ना, सब कुछ पीस दे। मर्ची जैसी लंबी छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल। इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना होगा फिर? इंस्टॉलेशन करने के लिए हमारा जो टेक्नीशियन है इंजीनियर, ये आपको अच्छी तरह बता देगा कि कैसे कैसे करने का है, मशीन कैसे यूज करने का, सारी डिटेल आपको पॉइंट टू पॉइंट कर देगा। और भी मैं आपको भी समझाता हूँ कैसे करने का है जी, तो बता दीजिए आप। चलिए, सबसे पहले मसाला मशीन के अंदर पैनल बोर्ड है, तो आपको पैनल बोर्ड ऐसा फिटिंग करने का है दीवार पे, उसके अंदर लिखा है मोटर और साइक्लोन। अच्छा, तो दोनों के अलग अलग स्विच दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप साइक्लोन स्टार्ट करने का है, उसके बाद मशीन भी स्टार्ट हो जाएगा। मशीन चालू हो गया। हाँ, अब देखो ये चल रहा है, ये बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल। ये होपर है, तो होपर के अंदर आपको मिर्ची डालने का, हल्दी डालने का, धनिया है, जीरा है, तो उसके अंदर दो स्लाइडर दिया है। तो पहले वाले जो स्लाइडर है छोटा वाला, उसके अंदर छोटा धनिया और जीरा दो चीज छोटी है तो वो जाने के लिए है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा वाला जो स्लाइडर दिया है तो वो ओपन करेंगे तो उसके अंदर से मिर्ची जैसी बड़ी चीज, बोला जड़ी बूटी कोई भी होगा वो पीस देगा। और ये वाला ओपर में दूसरा ओपर है, उसके ऊपर एक दिया है ये वाला हमारा, कि मिर्ची जैसी चीज कुछ जाएगी तो लकड़ी से हिला सकते हैं, तो आराम से यहाँ से हम वापस उसको कर सकते कर सकते हैं। पर सबसे बढ़िया बात तो ये होपर बहुत बड़ा दिया आपने जी। हाँ, तो होपर बड़ा करेगा तभी मिर्ची जास्ती आएगा ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अगर बात करते हैं आगे की, इसमें भी जैसे अपन गेहूं की पिसाई करते हैं वैसा का वैसे चैम्बर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या खास बात है? मैं खोल के दिखा देता हूँ कि ये मशीन के अंदर क्या USP है। तो ये भी देखो, उसके अंदर चैम्बर खोल दिया मशीन बंद हो जाएगा, उसके भी उसके साथ चैम्बर में सेफ्टी लॉक है, लिमिट स्विच दिया के, और उसके अंदर 6 कटर का SS का बीटर दिया है, प्योर SS, मसाले में कुछ भी नहीं होगा। और उसके अंदर दाती है और डबल चैम्बर है, तो पीछे वाला जो हैमर बीटर है, बीटर जो कटर बोलते हैं वो भी हैमर है, तो उसके अंदर हमने जाली भी दिया है, तो जाली आसान से बदल सकेगा। ऑटोमाइज जैसी कंपनी एक ही है, आराम से आप जाली लगा सकते हो, जो कितनी फ्रेम से अंदर जाएगा, हाँ, ऐसा जारी लगा सकते हो, निकाल सकते हो, और बड़े प्यार से निकाल सकते हो। हाँ, और भी उसके अंदर भी जारी के 7-8 जाली हम साथ में देते हैं, कि कैसा मसाला पीसने का है उस हिसाब से अलग अलग जाली भी है जी। अच्छा, आपने बहुत बड़े अक्षरों में मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और क्या ये पैटर्न है आपका पूरा? हमारा हर जगह पे पैटर्न नंबर भी दिया है, पैटर्न है, और हमारा सारा इन हाउस मैन्युफैक्चर है, कि मेड इन इंडिया हम जो लिखते हैं तो हम मेक इन इंडिया बनाते भी है। आपको सारी फैक्ट्री में दिखा था जो ये प्रोडक्शन, ये सारा सब कुछ दिखाई दे रहा है, इधर प्रोडक्शन होता है, इधर फैब्रिकेशन यूनिट है, और इधर चैम्बर भी बनता है, सारा इन हाउस है। आपको देखो, कोई भी कंपनी में इतनी सारी फैसिलिटी नहीं होगी, और आप सच सच पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये ऑटोमाइज में एक में है, दिखने मिलेगा बिल्कुल जी। अभी मसाला पीस रहे हैं हम, तो यहाँ पे कितना एम्पियर के साथ पिसाई करना पड़ रहा है अपन को? वो मशीन के हिसाब से, ये 7.5 HP का मशीन है, तो आप 10 से 11 एम्पियर तक आराम से चला सकते हैं। हाँ, उस हिसाब से मसाला पीसने का चालू हो जाएगा जी। अच्छा, अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं मसाला पीस के आगे क्या टेक्नोलॉजी लगाई, ये तो कुछ अपग्रेडेड और नई टेक्नोलॉजी लग रही है जी। ये ऑटोमाइज में है। अच्छा अच्छा अच्छा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का ही नहीं कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। मसाला पीस गया है, उसके बाद जाते हैं देखो पाइप में,
उसके बाद उसमें जाते हैं। हाँ। ये वाला है साइक्लोन। अच्छा, साइक्लोन का काम क्या रहता है यहाँ पे? साइक्लोन का काम एक ही है कि जैसा मसाला पीस के अंदर जाएगा तो उसको ठंडा कर देगा। अच्छा, गरम गरम मसाला होगा तो उसके अंदर जो क्वालिटी है विटामिन से कुछ जल जाएगा। लेकिन ऑटोमाइज कंपनी में ऐसी चीज है कि उसके अंदर मसाला होगा पीस के ठंडा जाएगा और देखने मिलेगा। अच्छा। कितना अच्छा तरह ठंडा और जाते हैं ये भी दिखाई देता है। हाँ, यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ, उसमें जो गर्म हवा जो है बाद में साइड में कॉटन बैग दिया है उसमें जाएगा, गर्म हवा वहाँ निकले जाएगा, जो मसाला है ये सीधा नीचे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया ये मसाला, इधर आ गया। इसके बाद में ये क्या प्रक्रिया चल रही है आगे? ये मसाला ग्रेडर है। अच्छा। कोई कस्टमर को ऐसा लगेगा कि मेरे एक बराबर मसाला चाहिए, एक क्वालिटी का चाहिए। हाँ, एक साइज का होना चाहिए। एक साइज का होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, कोई भी चीज होगी तो ये चीज हमने दिया है मसाला ग्रेडर। तो मसाला ग्रेडर के अंदर जो जो चीज चाहिए ना ऐसी क्वालिटी का एकदम फाइन क्वालिटी में उसमें निकल जाएगा। बिल्कुल, जो दिखाई देता है एक नंबर की क्वालिटी है उसमें नीचे निकलती है और थोड़ा बड़ा रह गया ये साइड आएगा, मतलब इधर आ जाएगा। हाँ। उसको फिर डाल देंगे फिर हो जाएगा। जीरा है, धनिया है, ये पीसने में सब मशीन के अंदर बहुत दिक्कत आती है लेकिन ऑटोमाइज कंपनी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये मशीन क्या पैकिंग के लिए? हाँ, ये पैकिंग मशीन है। तो पैकिंग मशीन के अंदर क्या है, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो ऐसा पैकिंग करने का है। जी जी, बिल्कुल। ये अभी आपने पैकिंग कर रखा है? हाँ, पैकिंग करके ही रखा है। ऑटोमाइज का पैकिंग है लेकिन कोची को खुद की ब्रांड बनाने का है, उसका नाम बनाने का है। तो मसाला खुद का ब्रांड का पैकिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर कोई भी बंदा खरीदना चाहते हैं तो वो कैसे खरीद पाएगा? जो डिस्प्ले के नंबर दिया है वो 8739087390 पे आप अभी कॉल करिए क्योंकि मसाला का सीजन है। अच्छा, इसके बाद में ये होम डिलीवर होता है? ऑल ओवर भारत के अंदर फ्री डिलीवरी है, वो ऑटोमाइज कंपनी की जिम्मेदारी है कि फ्री में पहुंचा देंगे। और भी हमारा मशीन तो विदेश में भी इतना चलता है। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, अफ्रीका में है, नेपाल, भूटान, तो कोई भी जगह पे आपको मशीन लेने का है तो वहाँ का कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है ना उस हिसाब से हम सारा गाइडलाइन देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस प्लांट को लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए हमें? उसके अंदर मशीन रखने के लिए जास्ती जगह की जरूरत नहीं, बस इतनी जगह होगी तो आ जाएगा बस। ये इतनी सी। हाँ। लेकिन मसाले के अंदर मिर्ची एक चीज ऐसी है कि आपको 1 टन माल आ गया तो उसको गोडाउन में माल रखने के लिए जस्ती वो थोड़ा सा बड़ा होल जगह रखनी पड़ेगी, मशीन रखने के लिए जास्ती जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या आपका सपोर्ट रहता है और कितनी वारंटी रहती है इसकी? उसके अंदर गारंटी एक साल की हमारी कंपनी तरफ से रहती है। हाँ। और भी कभी जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ कंपनी तरफ से सपोर्ट मिलेगा सर्विस का। अच्छा, कभी टेंशन नहीं लेने का। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कभी हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है उसमें कंप्लेन लिखा दो। हाँ। सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की, आज ही आप ऑर्डर करें और इस मसाला मशीन को अपनी बनाइए और जो भी मसाला पीसना चाहते हैं आप पीस के बिजनेस को बढ़ाइए, अपना ब्रांड बढ़ाइए और अपना नाम बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को किसान टीवी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं जहां जुड़े हुए हैं 1 लाख से भी ज्यादा किसान, तो आप भी फॉलो करके जुड़ जाइए। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।